फ्रेंड्स वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर सेल्स एंड टिश्यूज और टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे ऑल प्रोकेरियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाजम तमाम प्रोकेरियोटिक और यू सेल्स में साइटोप्लाजम के गर्द एक बारीक और लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद है सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर अलाउंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट वाइल फेंसिंग द मेजोरिटी ऑफ केमिकल्स इन साइड सेल वो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बाड़ के तौर पर काम करती है जो सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है जबकि ज़्यादातर को सेल के अंदर ही रोके रखती है इस तरह क्या होता है इन दिस वे और इस तरह सेल ममब्रेन मेन्टेन्स द इंटरनल कम्पोजिशन ऑफ सेल और इस तरह सेल मेम्ब्रेन सेल की अंदरूनी कीमियाई साख्त को बरकरार रखती है इन अडिशन टू दिस वाइटल रोल इस अहम काम के अलावा सेल ममब्रेन कैन आल्सो सेंस कैमिकल मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स इस अहम काम के अलावा सेल मम्ब्रेन दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगाम को वसूल करती है और दूसरे सेल्स की शनाखत करती है तो स्ट्रेंड्स हमने बात की सेल मेम्ब्रेन की कि तमाम प्रोकैरियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिरद एक बारीक और लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद है सेल मेम्ब्रेन एक सेमीपर्मिएबल बाड़ के तौर पर काम करती है जो सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है जबकि ज़्यादातर को सेल के अंदर ही रोकी रखती है और इस तरह ये सेल की अंदरूनी कीमियाई साख को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है और इस अहम फ़ेल के अलावा सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगाम को भी वसूल करती है और दूसरे सेल्स की शिनाख्त भी करती सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ़ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कीमियाई तजिए से मालूम होता है कि सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है और इसमें थोड़ी सी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मम्ब्रेन अलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल मम्ब्रेन के मायने के बाद इसका एक मॉडल बनाया गया जिसे हम फ्लूड मोजेक मॉडल कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इस मॉडल के मुताबिक देर इज़ आ लिपिड बाई लेर इन विच प्रोटीन मॉलीक्यूल्स आर एम्बेडिड इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की एक दूरी तय है जिसमें प्रोटीन्स के मॉलीक्यूल धनसे हुए हैं द लिपिड बाई लेर गिवस फुलिडिटी एंड एलास्टिसिटी टू मेब्रेन कह रहा है कि जो लिपिड बाई लेर है ये सेल मेम्ब्रेन में मायापन की वजह बनती है और सेल मेम्ब्रेन को लचक फ्राहम करती है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं दीज आर ज्वाइंट विद प्रोटीन्स आर लिपेड्स ऑफ मेम्ब्रेन और ये कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स या लिपेड्स के साथ जुड़े होते हैं अगर ये प्रोटीन्स के साथ जुड़ेंगे तो इन्हें हम ग्लाइको प्रोटीन्स कहेंगे और अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़ेंगे तो इन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे इन यूक्रियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर कह रहा है यूक्रियोटिक सेल्स में लिपिड बाइलेयर की दोहरी तह के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है तो स्टूडेंट्स हमने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात की कि केमिकल तजिए से मालूम होता है कि सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई है और इसमें थोड़ी सी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए सेल मेम्ब्रेन के मायने के बाद इसका एक मॉडल बनाया गया जिसे हम फ्लेड मोज़ेक मॉडल कहते हैं और इस मॉडल के मुताबिक सेल मम्ब्रेन लिपेड्स की एक दोहरी तय पर मुश्तमिल है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल धनसे हुए हैं लिपिड्स की दोहरी तय ही सेल में मायापन और लचक की वजह है कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी मिकदार भी सेल में प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़ी होती है यूक्रियोटिक सेल्स में लिपिड्स की दोहरी तय के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है इन यूक्रियोटिक सेल मैनी ईजी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास गोलजीप्रेटस एंड रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन वो कह रहा है कि यूक्रियोटिक सेल्स में कई ऑर्गेनालीस मसलन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास गॉल्जी अप्रेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं कह रहा है कि जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स का जिक्र करते हैं तो इन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे एंड वेन वी टॉक अबाउट ऑनली द आउटर मेंब्रेन ऑफ सेल वी से इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जब हम सिर्फ सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के बैरूनी तरफ ही नहीं पाई जाती बल्कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गनैलीज के गिर्द भी पाई जाती है उन ऑर्गेलीज में कौन कौन से हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है क्लोरोप्लास्ट है गोल्जियपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स का जिक्र करें यानी कि सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेलीज के गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद है इन तमाम तो मेम्ब्रेन्स का जिक्र करेंगे तो फिर हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और जब हम सिर्फ सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे आउटर मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे तो फिर हम इसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन ऑर्गनेलीज के गिर्द है वो मेम्ब्रेन शामिल नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ वो मेम्ब्रेन शामिल है जो सेल के आउटर मेम्ब्रेन है यानी कि सेल के, के बैरूनी तरफ पाई जाती है स्टूडेंट्स आज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा हमने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन की कि तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार मेम्ब्रेन मौजूद है सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बाड़ के तौर पर काम करती है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यह सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है जबकि ज़्यादातर को सेल के अंदर ही रोक के रखती है और इस तरह ये सेल की अंदरूनी कीमियाई साख्त को बरकरार रखने में किरदार अदा करती है नेक्स्ट हमने ये बात की कि, कि इस अहम फेल के अलावा सेल मेम्ब्रेन और भी काम सर अंजाम देती है कौन कौन से कि ये दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगाम को वसूल करती है और दूसरे सेल्स की शनाख्त भी करती है फिर हमने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में बात की कि, कि केमिकल एनालिसिस से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है और इसमें थोड़ी सी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए सेल मेम्ब्रेन के मुआने के बाद इसका एक मॉडल बनाया गया जिसे हम फ्लूड मोजेक मॉडल कहते हैं और इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की एक दोहरी तय पर मुश्तमिल है जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स धंसे हुए हैं लिपिड की दोहरी तय ही सेल मेम्ब्रेन के मायापन और लचे की वजह बनती है कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी मिकदार भी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़ी होती है अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स और अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर उन्हें हम कहेंगे ग्लाइकोलिपेड यूक्रियोटिक सेल्स में लिपिड की दोहरी तय के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है इसके अलावा हमने बात की कि यूक्रियोटिक सेल्स में कई ऑर्गेनालीज मसल माइटोग्ड्रिया क्लोरोप्लास गॉलजप्रेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जब हम सेल की इन तमाम मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं यानी कि जो ऑर्गनेलीज के गिर्द मौजूद है और सेल के आउटर साइड पे मौजूद है तो फिर हम इन्हें कहेंगे सेल मेंब्रेन और जब हम सिर्फ सेल की आउटर मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे तो फिर हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑर्गेनालीस के गिर्द मौजूद मेम्ब्रेन शामिल नहीं है Students, अब हम सेल मेंब्रेन से रिलेटेड डायग्राम को डिस्कस करते हैं ये फ्लूड मोजेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का इसमें वो आपको बता रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड की बाई लेयर है लिपिड बाई लेयर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एक लेयर ये वाली है लिपिड्स की और एक लेयर ये वाली है यानी कि ये लिपिड बाई लेयर है लिपिड्स की दोहरी तय इसके अलावा इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी धंसे हुए हैं ये आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसके अलावा उसने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स की भी थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है और ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ या फिर प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ जुड़ेंगे तो इन्हें हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स लिपेड्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ जुड़ेंगे तो इन्हें हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इसके अलावा उसने बात की थी कि लिपिड बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी मकदार भी पाई जाती है तो ये था सेल मेम्ब्रेन का फ्लूड मोजेक मॉडल ये डायग्राम आपकी बुक में भी दी हुई है नेक्स्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है तो इसमें आप बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल बाड़ के, के तौर पर काम करती है यानी सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है जबकि ज्यादातर को सेल के अंदर ही रोक के रखती है इस तरह सेल के अंदरूनी कीमियाई साख्त को बरकरार रखती है इस अहम फ़ेल के अलावा सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगाम को भी वसूल करती है और दूसरे सेल्स की शनाख्त भी करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमिबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के तौर पर कैसे काम करती है तो इसमें हमने बात की कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमियबल बाड़ के तौर पर काम करती है जो सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है जबकि ज़्यादातर को सेल के अंदर ही रोक के रखती है और इस तरह ये सेल की अंदरूनी कीमियाई साख्त को बरकरार रखती है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का फ्लूड मोजेक मॉडल क्या है तो इसमें आप बताएँगे कि इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की एक दोहरी तय जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे होते हैं मुश्तमिल है लिपिड्स की दोहरी तय सेल मेम्ब्रेन के मायापन और लचे की वजह है और लिपिड्स की दूरी तय के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की भी थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ जुड़े होंगे तो इन्हें हम ग्लाइको प्रोटीन्स कहेंगे और अगर लिपिड्स के साथ जुड़े होंगे तो इन्हें हम ग्लाइको कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्रेंशिएट करना है हमने तो इसमें हम बताएंगे कि जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स का जिक्र करते हैं यानी कि जो सेल की आउटसाइड पे मौजूद है और ऑर्गनाइलीस के गिर्द मौजूद है तमाम मेम्ब्रेन्स तो फिर हम उन्हें कहेंगे सेल मेम्ब्रेन और जब हम सिर्फ सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं तो फिर सिर्फ उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है आज हमने सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन की फिर हमने इसका फंक्शन देखा कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के केमिकल एनालिसिस की बात की और सेल मेम्ब्रेन के केमिकल एनालिसिस के बाद फिर हमने फ्लूड मोजेक मॉडल की बात की कि फ्लूड मोजेक मॉडल क्या है सेल मेम्ब्रेन का उसके बाद हमने बात की कि सेल मेम्ब्रेन ऑर्गनेलीज के गिर्द भी मौजूद होती है फिर हमने डिफरेंस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में और लास्ट पे हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स